नमस्ते जी, मैं मंजू। आज मैं आपको फिटकरी के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं दूंगी, ये फंजीसाइड बनाना है इसका सिखाऊंगी। तो मेरे बहन भाइयों को बहुत प्रॉब्लम जैसे होती है तो वो मुझे बताते हैं कि हमारी मिट्टी में फंगस लग जाती है और उससे जो हमारे प्लांट्स हैं खराब हो जाते हैं, उनकी रूट्स गल जाती हैं तो प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आती है। तो इससे फिटकरी से, वैसे तो मैंने टाइम टाइम पर आपको बहुत सारे वीडियोस जो फंजीसाइड बनाना सिखाए हुए हैं किस तरह से इस्तेमाल से हमारी मिट्टी हेल्दी होती है, तो आज ये फिटकरी का बताऊंगी। फिटकरी हर घर में आपको मिल जाएगी, तो इसमें अगर हम प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट्स की हेल्थ बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो इसमें तो कोई फर्टिलाइज़र जैसे नहीं होता है। मैं फंजीसाइड की बात अभी करती हूँ, तो इसमें जो है एंटी फंगल और एंटी सेप्टिक जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसके कारण ये हमारी मिट्टी को जो फंगस से बचाएगा, उससे कंट्रोल करेगा। तो ये आप जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल जो हर घर में होता है, आफ्टर शेव लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ टैंकी वगैरह में गंदगी आ जाती है तो उसमें फिटकरी का इस्तेमाल हो जाता है और सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। जहाँ कोई लोग और भी कई तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। और ये एसिडिक भी होती है, तो इसका जो इस्तेमाल आप एसिडिक लविंग प्लांट्स में भी कर सकते हैं, जहाँ उसके अलावा प्लांट्स में डालते हैं तो उस उनमें फ्लावर्स और फ्रूट बड़े अच्छे से फूल खिलते हैं और फ्रूट भी आते हैं, और चींटियां वगैरह भी इससे जो है भागती हैं। तो कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये तो जानकारी होगी, और ये आपको इजीली ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगी। ये ऐसे पैकेट में बंद भी आ जाती है और खुली भी मिल जाएगी आपको। तो मैंने इसको ऐसे पाउडर इसका ये बना लिया है, ये देख रहे हैं, और हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ये 1/2 टीस्पून इसका लेके 2 लीटर पानी में मुझे घोलना है। ये ले लिया मैंने 2 लीटर पानी में, मैं इसको अब घोलूंगी, और घोलने के बाद फिर कैसे प्लांट्स में डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने 2 लीटर पानी जो नाप के ले लिया है पूरा, और इसमें ये 1/2 टीस्पून ऐसे डाल दूंगी, और इसको किसी भी चीज़ से आप घोल सकते हैं, तो मैं लकड़ी की मदद से घोलूंगी। तो हमारे जैसे पानी के जो प्लांट्स वगैरह हम लगाते हैं, शौकीन होते हैं पानी के प्लांट्स, तो कई बार जैसे वाटर लिली होता है या और भी कई दूसरे कई तरह के प्लांट्स होते हैं, तो उनमें फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें भी मैं ये इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, ये फिटकरी का ऐसे पानी बना के। तो इस तरह से करते हैं तो ये बहुत हद तक ये कंट्रोल करता है। तो मेरे बहन भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा अब ये इसमें घुल चुका है, और हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बताती हूँ। जैसे ये मैंने वाटर प्लांट रखा है तो इसमें मैं ऐसे डाल दूंगी, ऐसे ये इस तरह से, और इस प्लांट में मैं ये ऐसे डाल दूंगी। ये देखिए ये मिट्टी में धूप छाया आ रही है, तो मुझे लग रहा स्क्रीन पे शायद दिख नहीं रहा आ रहा होगा ठीक से। तो ऐसे इस तरह से ये डाल देना है मिट्टी में, और किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हो। ये ऐसे डाल देना है, और अपने गुलाब के प्लांट पे डाल सकते हैं ये ऐसे इस तरह से। तो मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप पानी में जो फिटकरी को घोल के अपने सारे प्लांट्स में इन्हें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।